हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो मेरे व्लॉग में जो है, मैं आज लेकर आई हूँ अपनी वॉशिंग मशीन का रिव्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी मशीन हैगी पैल की। जब ये मशीन मैंने ली थी, इस मशीन को ले हुए मुझे हो गए हैं 3 साल। 3 साल में आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन, मैंने इसको कैसे रखा हुआ है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है एंड टच स्क्रीन वाली है और सेंसर वाली है, तो उसको मुझे बहुत ही एहतियात से जो है मैं इसको रखती हूँ। ठीक है, इसका ये तक अभी मैंने नहीं हटाया है और इसका नोटिस भी अभी तक लगा हुआ आएगा। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊँगी कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शंस होंगे, मैं एक ही वीडियो में इसके फंक्शन सारे नहीं दिखा सकती आपको, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि डेली एक एक फंक्शन में आपको इसका डाल के दिखाऊँ। सेकंड बात यह है कि इसकी अपनी खुद की एक पर्सनल फिटिंग होती हैगी। ठीक है, लेकिन वो फिटिंग मैं जब कराची में ली थी मशीन मैंने, बट अभी मैं इस्लामाबाद में हूँ तो यहाँ पे तो वो मैंने फ़िटिंग नहीं करवाई, बट कराची में वो फिटिंग थी। मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी फ़िटिंग कैसी क्या होती हैगी, क्योंकि जब ये मशीन मैंने ली थी तब न्यू थी बिल्कुल, मुझे खुद नहीं पता था कि इसको कैसे यूज़ करना है, तो मुझे बहुत परेशानी हुई थी। मैं भी यूट्यूब पे ढूंढती रह गई कि शायद मुझे पता चल जाए कि किस तरीके से इसको यूज़ करना हैगा। ठीक है, तो देखें, ये है इसका पाइप। इस तरीके से जो है ना, इसका पाइप, ये फिटिंग का इसका पाइप इस तरीके से आता हैगा। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ना इसका, ये वाला हिस्सा, इसके अंदर रबड़ लगी हुई होती है। ये वाला हिस्सा जो है वो नल के अंदर फिट होता है, और इसका जो बैक साइड का हिस्सा है ये कुछ इस तरीके का होता है, वो इसके मशीन के बैक साइड पे जो है वो यहाँ लगता है। ठीक है, यहाँ लगता है, जिससे जो है ये मशीन ऑटोमेटिक पानी मशीन के अंदर खुद ब खुद भरती है, इसको जितनी ज़रूरत होती है कपड़ों के लिहाज से। आपको पानी खुद नहीं भरना होता, आप जस्ट ये फिट कर दें, नल खुला छोड़ दें, नल खुला रहेगा, जितनी इस मशीन को ज़रूरत होगी पानी की ये उतना ही इसके अंदर भरता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक पानी को खुद ब खुद बंद कर देता है। नल आपका खुला रहेगा बट पानी की मशीन के अंदर पानी नहीं भरा जाएगा, ये ऑटोमेटिक वहाँ से बंद कर देगा इसका डोर। ओके, तो पहले तो ये इसकी फ़िटिंग की बात हो गई। इसकी फ़िटिंग हुई भी नहीं है वरना मैं आपको करके दिखाती। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इस्लामाबाद में, वो इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। देखिए, मैंने ये पाइप फिट किया हुआ है, ये रहा इसका पाइप, तो मैं इसको हाथ से पानी भरती हूँ। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम में नहीं भरती पानी, वो सिस्टम मेरा दूसरी जगह पे था। अब हम इसको ऑन करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ भी बटन नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो यहाँ पे जो है मैं बालकनी में देखिए खड़ी हूँ, बाहर हूँ। मैं सुबह इसकी वीडियो नहीं बना सकती इसलिए, क्योंकि सनलाइट इतनी तेज़ होती है कि इसके जो नंबर्स वगैरह कुछ नज़र ही नहीं आते, तो मैं इसको अब जब सूरज डूब गया है तो मैं बना रही हूँ ताकि स्क्रीन अच्छे से नज़र आए। देखिए, आपको यहाँ पे कोई नंबर्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक बटन दिख रहा है इसका। ठीक है, एक बटन दिख रहा है इसका आपको, तो मैं इसको ऑन करती हूँ। ये देखिए, ये हो गई ऑन। ठीक है, यहाँ पे सारे और जो है ना वो फंक्शंस नज़र आने लग गए हैं, क्या क्या चीज़ें कैसी है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे पहले पे लिखा है वाटर लेवल, दूसरा है डिले और एयर ड्रायर। ठीक है, थर्ड है आपका प्रोसेस वॉश मोड। ठीक है, यानी कि आपको जो है वो किस तरीके से, कौन से किस तरीके से वॉश करना है, यहाँ पे सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, सॉरी, ये देखें, यहाँ पे क्लियर हो जाए प्रोसेस लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है वॉश रिंस एंड स्पिन। ठीक है, ये तीनों फंक्शंस खुद करती है, यानी कि धोएगी भी खुद ही, कपड़े भी खुद ही खंगालती है, उसके बाद स्पिन करके निकालती भी खुद ही बाहर है, सारा सिस्टम एक साथ है। ओके, अच्छा जी, देखें यहाँ पे ये दिया हुआ है वाटर लेवल का, तो ये वाटर लेवल मैं यहाँ से क्लिक करूँगी, इसको बटन दबाऊँगी तो यहाँ से ये वाटर लेवल चेक करेगा। देखिए, मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, देखें यहाँ पे इसने दबा दिया है, कितना है, ये 8वें लेवल पर है, 10 लेवल तक होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर नज़र आए, मुझे लग रहा है कि शायद अभी भी थोड़ा साफ़ नहीं है, लेकिन जो है ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि साफ नज़र आ जाए। देखें, ठीक है, ओके जी, क्लियर हो जाए। हाँ, ये देखें, आपको नज़र आया कि 8वें लेवल तक जो है इसका पानी यहाँ पे आया है। इसे आप चाहें तो सेटिंग जो है पानी की अपने मुताबिक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका ऑटोमेटिक आपको दिखाती हूँ कि ऑटोमेटिक ये पानी खुद ही कपड़ों के लिहाज से कपड़ों का वज़न खुद कर दिए, और कपड़ों का वज़न करने के लिहाज से पानी भी खुद ब खुद ही भरती है। तो मैं इस मशीन को करती हूँ ओपन। ठीक है, अंदर से इसका टब देखिए, इसका अंदर से इसका टब बहुत बड़ा हैगा। मैं इसके अंदर जस्ट 2-3 कपड़े आपको डाल के दिखाती हूँ, उसके बाद ये मशीन का वेट करेगी, सॉरी, ये कपड़ों का वेट करेगी खुद ही, और कपड़ों का वेट करने के बाद ये यहाँ पे पानी का लेवल ऑटोमेटिकली चेंज रहेगा कि इतने कपड़ों को कितना पानी चाहिए। तो मैं आपके लिए देखे दिखाती हूँ, यहाँ पे एक्चुअली मेरे सारे कपड़े वॉश हो चुके हैं, ये आज ही नहाए हैंगे, तो ये 2-3 कपड़े ही बचे। तो मैं देखें जस्ट यहाँ से ना, ये देखें 1, 2 और 3,
ये चार कपड़े ले रही हूँ, ओके, जस्ट वीडियो के लिए, मैं वॉश नहीं कर रही। देखिए मैंने चार कपड़े इसके अंदर डाल देंगे। अब जो है ना, ये रहा पॉज का बटन, ठीक है, पॉज और स्टार्ट का बटन दोनों का। अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, ये मशीन घूमेगी, कपड़ों का वेट करेगी, ठीक है। ये मैंने दबाया बटन, ठीक है, ओके जी। और ये पानी का वेट कर रही है, पानी का लेवल, एक मिनट मुझे, ये हुआ। अभी मैंने ये इसलिए वेट नहीं कर रही थी क्योंकि पानी का बटन मैंने, तो वाटर लेवल मैंने खुद से क्लिक किया हुआ था यहाँ पे, इसलिए वेट नहीं कर रही थी। अब देखिए मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, ये कपड़ों का वजन करेगी और यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये देखिए मैंने उसको ये कपड़ों को घुमा रही है, वेट कर रही है कपड़ों का, कितने कपड़े हैं और कितना पानी, देखो पानी का, देखिए यहाँ पे पानी का बटन नहीं है, अभी बटन आ जाएगा। ये देखिए आ गया, यहाँ पे कपड़ों का उसने वेट किया, चार कपड़े हैं तो इसके लिहाज से जस्ट दो लेवल का पानी होना चाहिए, और जब ये पानी मांगेगी तो ये जो लेवल है वो ब्लिंक करते हैं, ठीक है, ब्लिंक करेंगे। और देखें यहाँ पे लिखा हुआ गया वॉश पे कि ये वॉश करने के लिए पानी मांग रहा है, ओके। अभी पानी लगा हुआ होता तो पानी यहाँ से आता है, जब फिटिंग होती है तो पानी जो है वो यहाँ से आता है। ये मैंने काफ़ी टाइम से इसको यूज़ नहीं किया है तो ये जाम हो गया आई थिंक, देखिए, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड वाला ऐसा डलता है, यहाँ पे सर्फ वगैरह डलता है, आप डाल दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, जब पानी पीछे से आता है तो वो सर्फ का ही पानी निकलता है यहाँ पे, ठीक है, हो गया बंद, ओके जी, ठीक है, समझ में आ गया कि यहाँ से आप कपड़े डालेंगे, कपड़े डालने के बाद आप ये बटन दबाएंगे, वाटर लेवल का बटन मत दबाइएगा आप लोग, जस्ट आप ये वाला बटन दबाओगे, ये वाला बटन जैसे ही दबाओगे ऑटोमेटिकली कपड़ों के लिहाज से, वेट के लिहाज से वो पानी का लेवल खुद ही कर देती है। पानी भरना शुरू होगा, जैसे ही पानी भरना शुरू होता है अपने लेवल का, जब वो पानी भर लेती है तो, अभी तो मैं आपको नहीं दिखा रही, जब मैं मशीन लाऊंगी तो मैं वाली वीडियो डाल दूंगी कि जैसे ही जितना पानी वो मांगती है, जैसे ही वो पानी भर जाएगा, टू लेवल का वो पानी मांग रही है, जैसे ही टू लेवल का पानी वो भर जाएगा, मशीन जो है वो हॉर्न देना शुरू कर देती है, साउंड देना स्टार्ट कर देती है। किस लिहाज से कि पानी जितना लेवल का था वो उतना भर गया है, आप जो है मशीन को बंद कर दें। जब तक इसकी एक खासियत और है कि जब तक ये लिड बंद नहीं होता मशीन घूमती नहीं है। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ एक बटन है, ये घूमेगा, यानी कि ये इससे दबेगा तो मशीन स्टार्ट होगी, ठीक है, वरना मशीन स्टार्ट ही नहीं होगी। तो मेरे लिहाज से क्या चीज़ है कि अगर आपका ये लिड ख़राब हो जाता है, अगर, तो आई डोंट थिंक सो कि आपकी मशीन चलेगी, क्योंकि जब तक इससे ये अंदर दबेगा नहीं आपकी मशीन नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये लिड का तो बहुत ख़ास ख्याल रखना है आपको कि ढकना, अगर इसका लिड अगर ख़राब हुआ तो मशीन आई थिंक बेकार हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये, इस मशीन की क्या ख़ास बात है कि इसका लिड जो है वो हाइड्रोलिक है, ओके। आप इसको जस्ट देखें, मैं जो हूँ वो हल्का सा हाथ से करूँगी, जिस मैंने छोड़ दिया उसको, ये स्लो डाउन बंद होता है, हाइड्रोलिक का ऑटोमेटिक खुद ब खुद इसका हाइड्रोलिक वो भी बंद होता है, ठीक है जी। तो ये हो गया, ये वॉश करेगा, वॉश करने के बाद जो जब कपड़े वॉश हो जाते हैं ये उसका पानी फेंक देती है। बाकी ये मैं अभी आपको ओरली बता रही हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद रिंस करने के लिए ये पानी भरेगी, खुद ब खुद रिंस करके फेंक देगी, ये टू टाइम रिंस करती है कपड़ों को, ठीक है। उसके बाद स्पिन्स करके और मशीन जो है वो साउंड देना स्टार्ट कर देती है कि आपके कपड़े धुल चुके हैं, आप निकाल लें, ठीक है। जस्ट अगर बहुत गर्मी होती है ना तो 15 मिनट में आपके कपड़े सूख जाते हैं, और सर्दियों के मौसम में यहाँ पे इस्लामाबाद में तो इतनी ठंड है कि आई थिंक बारिश यहाँ पे अभी भी हो जा रही है आए दिन, मौसम बहुत गीला टाइप का रहता है, तब भी मेरे कपड़े जो है वो 7 से 8 घंटे में सूख गए थे, ठीक है। वरना अगर नॉर्मल मशीन जिसकी हो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से 2 दिन आराम से लगेंगे कपड़े सूखने में, ओके जी। अच्छा जी, अब बात है इसकी, यहाँ पे ये प्रोग्राम्स देखें, आपको प्रोग्राम्स का वो नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, यहाँ पे है कॉमन, ठीक है, कॉमन का ऑप्शन है, यानी कि कॉमन कपड़े जो नॉर्मल जो हम लोग पहनते हैं, क्योंकि हर लिहाज से जो है कपड़ों का सिस्टम अलग दिया हुआ है। देखिए मैं प्रोग्राम पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे सिस्टम चेंज होगा, प्रोग्राम किया, हटो मिनट बटन दब रहा है, आने दो, मसला नहीं, एक्चुअली शायद इसलिए नहीं दब रहा है अभी क्योंकि अंदर पानी ही नहीं है अंदर पानी ही नहीं है, वो पानी मांग रही है, उसके बाद ही सिस्टम चेंज होगा, ओके जी, ऐसे हुआ है, ठीक है। जब मैंने इसको पॉज किया है तब इसने स्टार्ट कर दिया है, जब मैंने इसको पॉज किया तो देखें यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इसने दिया हुआ
हैवी का, यानी कि जो बहुत भारी होते हैं, आप इसमें ब्लैंकेट भी धो सकते हैं, सिंगल ब्लैंकेट धो सकते हैं इसके अंदर, और जो हैवी कपड़े होते हैं थोड़े से, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद सॉफ्ट कपड़े, यानी कि जो बच्चों के जो सॉफ्ट कपड़े होते हैं या थोड़े कढ़ाई वाले ड्रेसिंग होती है उसके लिए सॉफ्ट पे आप करें। इसके अलावा क्विक, यानी कि आपको कपड़े जल्दी धोने, देखें टाइम भी चेंज होता जा रहा है, सेटिंग्स के लिहाज से इसका टाइम भी चेंज होता जा रहा है, ठीक है। क्विक पे 27 है, वैसे नॉर्मल कपड़ों पर जो था कितना टाइम था, 40 मिनट्स था। और ये हैगा स्टैंडर्ड कपड़े, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम में जो धुलेंगे। इसके अलावा है जींस, जींस के लिए अलग ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, और ये सिल्क, जो सिल्क के कपड़े होते हैं उसका ऑप्शन अलग हैगा, ठीक है। और ये चाइल्डिश, ठीक है, चाइल्डिश बच्चों के लिए, ठीक है, ओके। और आखिरी में हमारा क्लीन टब, यानी कि क्लीन टब क्या है कि आप इसको खाली टब को धोने के लिए भी धो सकते हैं, जैसे कपड़े धोने के बाद जो हमारी जो मशीन होती है, नॉर्मल मशीन जो होती है उसको हम टब खुद ही धोते हैं, राइट। हम उसको यहाँ डालते रहते हैं पानी, और यहाँ से पानी जो है वो पाइप में से पानी जो है वो निकलता रहता है। इसकी एक ख़ास बात और है कि आप मशीन ऑन करें, पानी भर दें, पाइप को ऐसी ज़मीन में छोड़ दें, पानी नहीं निकलेगा, ऑटोमेटिक है। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, पाइप में ऐसी छोड़ देती हूँ पानी भरने के बाद, पानी नहीं निकलता है। जब तक पानी नहीं निकलेगा जब तक आपके कपड़े नहीं धुलते, ठीक है। तो इसलिए आप इसका वो टब जो है वो क्लीन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्लीन टब का ऑप्शंस भी आपको दिया हुआ है, ओके। स्टार्ट हो गई वो तो मैं कर देती हूँ उसको बंद, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर तब भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है और आप चाहते हैं और भी इसको यूज़ करना, ठीक है, तो मुझसे पूछ सकते हैं इस मशीन के बारे में, और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैंगे। और मैंने अभी जस्ट ओरली बताया है, मैं प्रैक्टिकली आपको और बताऊंगी, ठीक है। प्रैक्टिकली आपको बताने के लिए जो है ना मुझे शाम का वेट करना पड़ेगा जब सूरज डूबेगा, क्योंकि सनलाइट इतनी तेज़ होती है कि स्क्रीन जो देखें ये नज़र नहीं आ रही, ठीक है, ये स्क्रीन नज़र ही नहीं आती है। सो आई होप आपको जो है ना वो अच्छी लगी हो वीडियो, और इस मशीन के लिहाज से अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। पेल की मशीन है, पेल PAWM 900i टच एंड गो, ठीक है। और बहुत से लोग कहते हैं कि पेल की मशीन बेकार है, अच्छी नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, ये नहीं। तो मुझे ये मशीन यूज़ करते हुए 3 साल हो गए हैं, ठीक है। 3 साल में आप इसकी कंडीशन देखिए, आप इसकी कंडीशन देखिए। आई डोंट थिंक सो कि कोई इसको कहेगा कि मैं इसको 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और हाँ, जब मैंने ये मशीन ली थी तो इसके साथ ये सर्फ एक्सल फ्री आया था। अगर मेरे पास जो है ना यहाँ पे मतलब कुछ प्रूफ नहीं दिया हुआ है जो मैं बता सकूँ कि मुझे 3 साल हो गए हैं इसको। हाँ, मैंने इस वॉशिंग मशीन की वीडियो जो है पहले भी अपलोड की थी बहुत सारी, लेकिन फिर किसी घरेलू इशूज़ की वजह से जो है मैंने छोड़ दिया था वीडियोस डालना। अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया हैगा, ओके जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, इसलिए ताकि मैं वॉशिंग मशीन के और भी प्रोग्राम्स इसमें डालूँगी, प्रैक्टिकली आपको बताऊँगी, तो आप तक नोटिफिकेशंस पहुँच जाए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।